श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे वैदिक काल की मास्टर प्लानिंग के बारे में कि उस मास्टर प्लानिंग को क्या अद्भुत बनाते हैं। देखिए, ब्रह्मा ने विश्व की सृष्टि से पूर्व वास्तु की सृष्टि की तथा लोकपालों की कल्पना की। ब्रह्मा ने जो मानसिक सृष्टि की उसे मूर्त रूप देने हेतु विश्वकर्मा ने अपने चारों मानस पुत्र जय विजय सिद्धार्थ और अपराजित को आदेशित कर देते हुए कहा कि हमने देवताओं के भवन की स्थापना अब तक की है, यथा इंद्र की अमरावती एटसेट्रा। अब वेन पुत्र पृथु के निवास हेतु राजधानी का निर्माण मैं स्वयं करूँ, तुम लोग समस्त भूलोक का अध्ययन करो, सामान्य जन की आवश्यकताओं के अनुरूप स्थापनाएं करो। विश्वकर्मा के इस तरह से बोलने से उच्च कोटि के चिंतन योजना व प्रबंधन का संकेत मिलता है। एक तरफ नगर निवेशन और दूसरी तरफ आंतरिक रचनाओं में वास्तु पुरुष की देवत्व का आरोपण करते हुए भौतिक सृष्टि में दार्शनिक सौंदर्य की समाष्टि करते हुए उसे चारों पुरुषार्थ की अभिष्ट सिद्धि की कामना की गई। बृहत संहिता के अनुसार जिस भांति किसी गृह में वास्तु पुरुष की कल्पना करते हुए कार्य किया जाता है, उसी भांति नगर और ग्रामों में ऐसे ही वास्तु देवता स्थित होते हैं और उस नगर ग्रामानियादि में ब्राह्मण आदि वर्णों को कर्मानुसार बसाए हैं। जैसे पूर्व निवेश प्रकरण में वर्गों के आधार पर वसावट करने के विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। अग्निकोण में अग्निकर्मी लोग मतलब स्वर्णकार लोहार इत्यादि को बसाना चाहिए। दक्षिण दिशा में वैश्यों के संपन्न लोगों के चक्रिकों अर्थात गाड़ी वाले नट या नतनकों को एक घर स्थापित करने चाहिए। सौकारिक मतलब जो सुक्रोपनिकी हैं, नेशिकार हैं, बहेलिया केवट और पुलिस इत्यादि को नेतृत्व कोण में बसाना चाहिए। रथों शस्त्रों को बनाने वाले को पश्चिम दिशा में बसाना चाहिए। नौकरी व दलालों को वैव्यय दिशा में बसाना चाहिए। सन्यासियों को विद्वानों को प्याऊ और धर्मशाला को उत्तर दिशा में बसाना चाहिए। ईशान में ही फल वालों को बसाना चाहिए। आग्नेय दिशा में वे बसें जो सेनापति सामंत और सत्ताधिकारी व्यक्ति हैं। धनिक व व्यवसायी दक्षिण, कोषाध्यक्ष महामार्ग दंडनायक व शिल्पियों को पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में पुरोहित ज्योतिष लेखक और विद्वान बसे। ये पूरा विश्वकर्मा ने किया है जो वैदिक काल की मास्टर प्लानिंग है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।